अच्छा जी, यूपी में जमीन के लिए जन स्वच्छ भारत अभियान चरम पर। वाह भाई वाह, मैं भी अपने घर को साफ रखूंगा और अपने आसपास भी। देख रहा हूं। बोल गिर गया चार की मौत। ओहो, सरकारी अफसर घूस लेता पकड़ा गया, क्या होगा इस देश का। आज कुछ अच्छी खबर ही नहीं छपी है। अरे अरे शकुंतला, सुनती हो? क्या है? मैं किचन पे बिजी हूँ। अरे जरा इधर तो आओ दो मिनट के लिए, बहुत बढ़िया खबर छपी है। श्रीमती जी बैठो तो सही। हा? ये देखो क्या बढ़िया खबर छपी है। क्या छपा है? अगर ये खबर सच हो जाए तो तुम्हारे बचपन का सपना सच हो जाए। देखिए मेरे बचपन के सपने की तो आप बात ही मत कीजिए। जब से मैं आकर आई हूँ एक भी सपना सच नहीं किया आपने, इसीलिए अब ना तो मैं सपने देखती हूँ ना ही अपने पुराने सपनों को याद करती हूँ। आपसे तो कुछ उम्मीद रखना ही बेकार है। वैसे ये क्या सुबह सुबह अखबार पढ़ते रहते हो? कुछ पूजा पाठ करो, बड़ी बड़ी बलाएं भी टल जाती हैं। होता होगा भाई। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। इस हिसाब से तुम्हारे पिताजी ने तो खूब पूजा पाठ किया होगा। पिताजी ने? क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी बला तो टल गई, मेरे पल्ले पड़ गई। उनकी बला तो टल गई क्या? अरे इतनी बढ़िया खबर छपी है, देखो तो सही। हाँ, लातविया के वैज्ञानिक एक टू सीटर विमान बना रहे हैं। विमान? हाँ, जो हल्का है और छोटा भी। अच्छा। साथ ही साथ उसकी कीमत है मात्र 5 लाख रुपए। अच्छा। हाँ। कल से ये पेपर मंगाना बंद, आप ही पढ़िए। वैसे 10 मिनट बाद जब नल से पानी चला जाएगा ना तो खाली बाल्टी झांकिएगा। हाँ ठीक है। अब जब हवाई जहाज इतना सस्ता हो रहा है तब अखबार बंद कर दो। क्यों जी, हम तो अखबार पढ़ेंगे भी और हवाई जहाज में उड़ेंगे भी। देखो जी, मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझे? लेकिन मेरी बात तो समझो। क्या बात समझूं? एक तो सुबह सुबह बेकार बेकार सी खबरें सुनाते रहते हो और अभी वो ज्ञान का बच्चा भी आ जाए। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। सुनिए। हाँ जी। आए हैं ज्ञान साहब। अब भाभी जी चाय नहीं मिलेगी क्या? हाँ? अब चाय बहुत अच्छी बनाती है। आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं। क्या बात है, बड़ा उदास नजर आ रहा है। क्या भाभी से कोई झगड़ा मगड़ा हो गया? अरे हाँ यार, सुबह सुबह तेरी भाभी से जरा कहा सुनी हो गई। क्यों झूठ बोलता है, कहा था तुमने कुछ होगा नहीं, सुनी सुनी होगी। अरे यार ये डेली धमाका वाले रोज कोई ना कोई धमाका करते ही रहते हैं। अच्छा अब बता, 5 लाख रुपए में भी कभी हवाई जहाज मिल सकता है? 5 लाख रुपए में हवाई जहाज? रोज रोज बैठकर ख्याली पुलाव पकाते हैं और हम जैसे लोगों को खिलाते हैं। अच्छा 5 लाख रुपए में हवाई जहाज? कहाँ छपा है, जरा मुझे भी तो दिखा। ले ले तू भी पढ़, ये देख ऊपर लिखा है अब 5 लाख में मिलेंगे हवाई जहाज। लो भाई खुद ही पढ़ लो। अरे क्या खास पढ़ू, चश्मा तो मैं घर ही भुलाया। तुम ही बता दो क्या छपा है। यार ज्ञान तू भी वैसे कमाल है, भाभी को तो पूरे 1 किलोमीटर दूर से पहचान लेगा। और ये सामने पड़ी अखबार को पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए तुझे। देख भाई तू मेरी दुखती रग पर पाँव मत रखा, कह दिया तुझे। हाँ यार, दुखती रग पर पाँव नहीं हाथ रखा जाता है। हाथ थोड़ा तो ज्ञान है, मुहावरों पर रहम कर। अरे यार बात तो एक ही है। हाँ यार ये बीवी है ना, चैन से जी नहीं देती है, और तो और करवा चौथ का व्रत रखकर चैन से मरने भी नहीं देती है। बिल्कुल ठीक का, बिल्कुल ठीक का। यार यार तू ये बता, अगर तू खामखा भाभी को बदनाम करता फिरता है और फिर ताली एक हाथ से थोड़े ना बचती है। अरे तुम इन औरतों को नहीं जानता, इनकी नजर में दुनिया का सबसे महान आदमी इनका पिता होता है।
ये तो है। और सबसे बदकिस्मत इंसान उसका भाई, और सबसे खुशकिस्मत इंसान उसकी बहन का पति, और तो सबसे बुद्धू बददिमाग गधा पागल कमीना मुझसे बनवाएगा उसका पति। हाँ ये देख, लातविया एक देश है। कौन सा देश है? अबे लातविया। अच्छा बता। लातविया एक देश है, वहां के वैज्ञानिक लगे हैं एक सस्ता छोटा और टिकाऊ हवाई जहाज बनाने में, जिसकी कीमत होगी $8,000। यानी कि भारतीय मूल में अगर 60 से गुणा करें तो 84,000। रट के आया है तू भाई, रट के आया है। लेकिन बाकी के 20,000 टैक्स वगैरह भी तो लगेगा ना। ठीक है। इस हिसाब से हमें सिर्फ 5,00,000 रुपए का इंतजाम करना है बस। पर एक बात है, तेरे को विश्वास हो रहा है वैसे इस बात? नहीं यार, इतना सस्ता जहाज मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं ठीक से पढ़ाया तूने? वैसे हमें कौन सा हवाई जहाज बनाना है? ये तो उन लातविया वालों का सरदर्द है भाई। हमें तो बस 5,00,000 रुपए जमा करने हैं और इंतजार करना है कि कब ये जहाज बनकर तैयार होता है और भारत में बिकने के लिए आता है। अच्छा जी, तो आगे लिखा है ये जहाज बनेगा फाइबर और ड्यूरामिनियम से। कौन से? मिलीनियम से? अबे मिलीनियम नहीं, ड्यूरामिनियम। अच्छा कुछ भी होगा, आगे बढ़ा के बढ़ा। हाँ, इस जहाज को उड़ने के लिए एक छोटी सी हवाई पट्टी की जरूरत पड़ती है। हवाई पट्टी? हाँ। वो कहाँ बनाएगा तू? भी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बनानी पड़ेगी जब लिखा है। ये तो समस्या हो गई यार। सोच नहीं दे रहा। अबे हाँ, अपनी छत किस दिन काम आएगी? बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन एक बात तो बता। हाँ। तू अपने इस हवाई जहाज को लैंड कहाँ करेगा? अभी तो क्या समस्या ही लेकर आया मेरे पास यार? जो हकीकत है वही तो बात कर रहा हूँ ना। मेरे कमरे में तो नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता। मेरे यहाँ भी नहीं हो सकता। अपनी गाड़ी के ऊपर, जो पड़ोसी है ना उसकी गाड़ी के ऊपर रख देंगे। अरे इतना मरेगा वो सरदार तेरे को है? सरदार सही बात है तो गुजर। अबे तो अपनी छत पर वो है ना टीम का शेड, अपना पुष्पक विमान रात को वहीं विश्राम करेगा। ये ठीक रहेगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा इसमें? आगे लिखा है हाँ, इस जहाज में 2 इंजन होंगे पर ये उड़ेगा एक से ही। आगे क्या है? एक से बस टेक ऑफ के समय दो इंजनों की जरूरत पड़ेगी। हाँ अच्छा, 2 इंजन होंगे, उड़ेगा एक से ही। ये ठीक रहेगा भाई, इससे पैसे की भी बचत होगी, पेट्रोल की भी बचत होगी। अच्छा पेट्रोल से याद आया, महंगा बहुत हो गया पेट्रोल। बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल भी तो भरवाना पड़ेगा किसी बहाने। हम पेट्रोल पंप का वो भी देख लेंगे, क्योंकि अपनी मर्सिडीज तो ना सिर्फ साल में एक बार ऑयलिंग होती है उसकी। मर्सिडीज ज्यादा नहीं हो गया कुछ? ज्यादा कहाँ हो गया, एक बार होती है। पहले मैं खबर पढ़ लूँ? पढ़ ले। हद होती किसी बात की, अगर मर्सिडीज वालों ने सुन लिया ना कि तो अपनी उस टूटी फूटी साइकिल को मर्सिडीज बोलता है तो मर्सिडीज वाले अपने बाल नोच लेंगे। देख, तेरे लिए होगी वो टूटी फूटी साइकिल, मेरे लिए किसी मर्सिडीज से कम नहीं है। हाँ अच्छा, सही क्या खास है उसमें? मर्सिडीज से कम नहीं है तेरी साइकिल? अरे बड़ा यार, वो तो एक ऐतिहासिक साइकिल है। ऐतिहासिक साइकिल तुझे मालूम है? वो मेरे दादाजी के जमाने की है। दादाजी के जमाने की? तो पुरातत्व वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर। अच्छा तुझे मालूम नहीं है? बिल्कुल ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक ऐसा क्या इतिहास है इसका? अरे पूरा मोहल्ला जानता है सर, 1939 में कांग्रेस के चुनाव में सभी नेताओं ने उस साइकिल पर चढ़कर कन्विंसिंग की थी। अच्छा इस तरह से हुई ना ऐतिहासिक साइकिल। हाँ। और तो और मेरे दादाजी वो भी कांग्रेस के बड़े नेता थे। अच्छा पुरातत्व वाले साइकिल के पीछे पड़े हुए हैं। मैंने भी कहा कि साइकिल को आप राष्ट्रीय संग्रहालय में दे दो, लेकिन अगर वो मुझे कुछ पैसे देंगे ना उसके लिए मैं इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दान देने में विश्वास नहीं रखता। और वैसे भी सरकार के लिए 10,00,000 रुपए
क्या मायने रखते हैं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इस बारे में। कोई आइडिया सोच, कुछ आइडिया सोच यार। अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है तो एक ऐसी मशीन बनाए जो पायलट के स्टीयरिंग के पास लगे कहीं, और हाँ जैसे ही पायलट बैठे उस पर, मशीन बाहर आए, उसके मुंह को सूंघे और चेतावनी दे दे भाई कि चालक नशा पत्ता उतार कर ही जहाज पर चढ़े वरना मरे, ये ठीक रहेगा। अब जब हवाई जहाज इतने ज्यादा हो जाएंगे तो आसमान में ट्रैफिक बढ़ेगा, ठीक है, ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक लाइटें लगानी पड़ेंगी, सिग्नल लगाने पड़ेंगे, सही बात, ठीक है ना। अब तेरे जैसा कोई अकलमंद सिग्नल तोड़ के भागेगा तो पुलिस वाला मोटरसाइकिल पर थोड़ा ना पीछा करेगा, उसको भी तो एक हवाई जहाज लेकर देना पड़ेगा, क्यों? ये ठीक कह रहा भाई, उसको भी तो हवाई जहाज लेकर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, प्रशासन का खर्चा तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन हमें इससे क्या। लेकिन एक बात तू, मैंने तो मनी वाली हिसाब लगा लिया भाई खर्चे का। हाँ तेरी तो साइकिल बिक रही है ना बेटा, मनी वाली हिसाब लगा तू। वैसे भी जब भी यार एक बात बता, तू आया कि वो सुबह सुबह यहाँ चाय पीने आया ना, तो बैठ फिर, बैठो अभी आती है चाय, अभी भाभी जी लेके आएगी चाय, आज ज्यादा टाइम लगा दिया भाभी ने। बिल्कुल बिल्कुल, शकुंतला शकुंतला चाय लाना, इसकी माइलेज वगैरह चेक कर ले, ठीक है। क्या, मैंने तो फिल्म का भी प्लान बनाया था। मेरे को पता था प्लान तुमने बनाया। तुम सुनो, आज शुक्रवार का दिन है, जय मां संतोषी लगी है, हमें बहुत पुण्य लगेगा। डार्लिंग वहाँ गाड़ियाँ तो लोग सड़कों में पार्क करते हैं गलियों में, हमें अपना पुस्तक विमान कहाँ पार्क करेंगे है? उसकी छत भी टीन की है, नहीं तो वहाँ कर लेते फिल्म, हम किसी और दिन चल पड़ेंगे। तुम बहाने मत बनाओ, जहाज लेकर दफ्तर चले जाएंगे, उस पूरी रेखा को घर छोड़ते हुए आओगे, सब जानती हूँ मैं। मुझे ये नहीं पता कि उस बेचारी रेखा ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। बेचारी, तुम काम का शक करती हो। अमजद ना सलमान बल्कि खड़क सिंह, इंस्पेक्टर खड़क सिंह। फैमिली आउटिंग? हाँ जी। या किडनैपिंग? किडनैपिंग, मुझे तो तुम दोनों बच्चा उठाने वाले पति पत्नी लगते हो। अरे नहीं नहीं भैया, हम अच्छे खानदान से हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जी शकुंतला। शकुंतला, शकुंतला तो मेरी छोटी बहन का नाम था, बेचारी मेले में खो गई थी। तुम तो बहन इधर साइड में आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरी है। बा, 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 तेरा नाम क्या है? जनाब वैसे तो मेरा नाम गेंदा सिंह है, लेकिन लोग मुझे भी प्यार से शकुंतला शकुंतला ही बुलाते हैं। है? इसकी तो नंबर प्लेट भी नहीं है, कागज इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाओ। सर नंबर प्लेट तो नहीं है। नंबर प्लेट तो नहीं है और कागज लाइसेंस इंश्योरेंस भी नहीं है, है? बाकी भी नहीं है? नहीं है। बस फिर तो दवा 302 के तहत फांसी पक्की है। फांसी, फांसी, फांसी है। जितनी ऊंची सवारी उतनी ऊंची सजा। इंस्पेक्टर कड़क से क्या? अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं उसके दांत तोड़ देता। दांत तोड़ देते? ज्यादा दूर नहीं गए होंगे भैया। भैया चुप चुप, तुम तो सच मान लेती हो हर बात को, लेकिन थोड़ा मजाक भी करने दिया करो। डार्लिंग खुद का जहाज हो तो
नहीं है, 5 लाख का जहाज है, तेज ही चलता है। ये मौसम खराब क्यों हो रहा है?